होंगे। दुआ किसे कहते हैं? शब जुमा का जो तो तालु से हो जाए ताकि नहीं बराबर इंसान कामिल। हम अगर इस तरह के काम करेंगे तो हम एक कामिल इंसान कहलाएंगे। दुआ दिल की तड़प को कहते हैं, दुआ दिल की आवाज को कहते हैं। दुआ बारगाह परवरदिगार आलम में अपनी अर्जी पेश करने को कहते हैं। दुआ वाहदहु ला शरीक की बारगाह में अपने रिक्वेस्ट को पेश करने को कहते हैं। कभी कभी दुआ अगर वक्त मिले आप तो लानी दुआएं पढ़िए, दुआएं कुमार पढ़िए, दुआएं मशरूर पढ़िए, दुआएं समाज पढ़िए और उसी दुआएं। कभी कभी इंसान के पास वक्त नहीं होता और मुश्किल पेश आ जाती है, फिर ऐसे में क्या करे इंसान? ऐसे में अगर उसे दिल की गहराई के साथ पुकार भी लेता है इंसान, वो पुकारना भी उसकी बारगाह में ताबीले कबूल हो जाता है। हमेशा हमें मौका नहीं मिलता कि हम दुआ पढ़े, मगर जब मिले तब हम पढ़ें। ये भी नोट कीजिएगा, जब मौका मिले तब हम दुआएं पढ़ें। क्यों पढ़ें? ताकि पता चले किसी ने या किसी मौके पर मेरे मासूम ने कहा, मौला ने फरमाया सज्जाद मुस्तफ अली उमर हुसैन इमाम हुसैनुल आबिदीन अलैहि सलातो सलाम देखा कीजिए, गौर कीजिए, दुआओं की किताबों को उठाइए। दादा की दुआओं के मजमूए का नाम है सहीफा अलविया और पोते की दुआओं के मजमूए का नाम है दोनों अली हैं, पहले भी अली और उनके लिए पोते भी अली। इनके दुआओं के मजमूए का नाम है सहीफा सज्जादिया। क्या नाम है? सहीफा सज्जादिया। कभी पढ़िए, उठने की दुआ, बैठने की दुआ, खाना खाते वक्त की दुआ, घर से बाहर निकलते वक्त की दुआ, सफर पर जाते वक्त की दुआ, गैरों के लिए दुआ, अपनों के लिए दुआ, दुश्मनों के शर से बचने के लिए दुआ। क्या मुसलसल दुआएं पढ़ते रहते थे? उन्होंने बताया कि सुनो, दुआ हम करते क्यों हैं, उससे दुआ मांगते क्यों हैं, उसकी बारगाह में हाथों को फहराते क्यों हैं? इसलिए नहीं जो हमारा आपका अंदाज है। हमारा आपका अंदाज क्या है? जरूरत है, जेब में पैसा नहीं है, हमने हाथों को फहरा दिया, या अल्लाह दौलत दे दे, कर्जदार हो गए, या अल्लाह कर्ज को अदा करा दे, औलाद की ख्वाहिश है, या अल्लाह औलाद दे दे, रोजगार नहीं चल रहा, या अल्लाह बरकत दे दे, बच्चे एग्जाम देने गए बच्चों को कामयाबी दे दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ नहीं है, मगर अल्लाह सबको समझना, ये तो जरूरत के वक्त पुकारते हैं। बेशक बेशक दुआ कहते हैं बगैर जरूरत के भी उसको पुकारते रहना। अल्लाह क्या कहते हैं? इसीलिए मासूम ने फरमाया हम सिर्फ उसको जरूरत के वक्त नहीं पुकारते, बगैर जरूरत के पुकारते हैं। क्यों? ताकि पता चले वो हमारा माबूद है, हम उसके बंदे हैं। हमारा माबूद है, हम उसके बंदे हैं, इसलिए पुकारिए। अच्छा, क्या एक लहजे से सब पुकार लेते हैं? पूरा महिमा जो सूरत शहर से मंसूब है, वो मेरे सामने बैठा है, मौला का चाहने वाला है, एक एक आदमी मौला का गुलाम है। जाइए, मेरी इजाजत है आपको, खड़े हो जाइए अगर मेरी बात पसंद आए आपको। यहां से बच्चे से लेकर आखिरी बुजुर्ग तक, और अगर बात दिल के दरीचे तक पहुंच जाए फिर मुझे बताइएगा अपनी आवाज बुलंद करके। क्या आप एक अंदाज से, एक लहजे से, एक ही तर्ज से सबको पुकार लेते हैं? पुकार के दिखा दीजिए, मिसाल मैं दे रहा हूं। मसलन मुझे इस वक्त पानी की जरूरत है, मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, मैं किसी कंप्यूटर से बैठा ना, एक गिलास पानी लेके आइए। बच्चे ने कहा बेटा जाओ पानी ले जा, नहीं बेटा चाहिए नहीं, साथ ले जा प्लीज। तो ये हमने बच्चे से कहा, बच्चे हमें ऐसा लगा कि शायद बच्चा हमारी बात को नहीं समझ पाएगा। मेरी आदत है खामोश नहीं रहने दूंगा,
शुरू की बातें समझा कर फिर आपको बोलने का मौका दूंगा इंशाअल्लाह, मगर बड़ी तरतीब के साथ। अल्लाह सलामत। शुक्रिया। आमीन। मैंने देखा कि बच्चा शायद मेरी बात को नहीं समझ पाया, तो मैंने देखा कि वो जो उधर बुजुर्ग बैठे हैं, चाहिए कि मेरे लिए बुजुर्ग हैं, तो मैंने कहा बुजुर्ग अगर आप बच्चे हैं जरा सा एक गिलास पानी ले आइएगा। देखिए जरूरत पानी की है, मांगा पानी है, मांगने वाले ने हम बहुत शुक्रिया आपका शुरू होगी सर। वही मैंने पानी के लिए बच्चे से कहा बेटा खाना ले जा पानी ले आइए, लहजा बच्चे को ठुकाने वाला था। क्या कहना है, सामने मेरी नजर पड़ गई कासिम के ऊपर, अरे कासिम बाबू बच्चे का पानी भेज देगा, थोड़ा सा लहजे में बदलाव आ गया, समझ गया यही काम मुझे बुजुर्ग से लेना है। तो मैंने कहा बुजुर्ग जरा जरा नाराजगी होगी, बड़ी मेहरबानी होगी, अल्लाह की तौफीकात में इजाफा करे, जरा गिलास पानी सहमत होगी, पानी भी वही, पीने वाला भी वही, लानी भी आप किसी एक जगह से, मगर जिस उम्र के इंसान को मैंने पुकारा मेरे लहजे में बदलाव आ गया, लहजे में बदलाव आ गया। अब मुझे बताइए जब हम इसे अपनी चलती फिरती दुनिया में एक बच्चे से हमने कहा थोड़ा सा बराबर कैसे कहा बुजुर्ग से कहा तो हमारा लहजा बदल गया। अब अगर हमें कोई चीज उससे मांगनी है जो पूरी दुनिया का खालिक है, जो पूरी दुनिया का राजिक है, जिस जिसने हमारे माँ और बाप को पैदा किया है, तो क्या हम उससे ऐसे कहते कहना हमें नहीं, यहाँ फरमाते ऐसे नहीं, और फिर कैसे कभी जिंदगी नहीं। अब तो मेरा मौजू है नहीं बराबर इंसान कामिल, कभी अगर दुआ के मौजू पर पढ़ने आया तो सारी बड़ी सिद्धता से ज्यादा इंशाल्लाह दुआ ही दुआ के मौजू पर पढ़ूंगा। उम्मीद है उसकी दाद से आज जो चुके शबे जुमा है इसी दाद से मुक्त करना है। तो जब आप उसे पुकारें तो उसे क्या हम लगो लहजे में पुकारेंगे, इमाम ने फरमाया नहीं, मासूमीन ने फरमाया नहीं, तो फिर कैसे पुकारें, कैसे अपने रब से मुक्त करें। हमें शिकवा बड़ा है, हम अल्लाह से ये मांगते हैं हमें नहीं मिलता, हम अल्लाह से ये कह रहे हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती, थोड़ा पड़ोसी को देखिए उसका इतना बड़ा घर है, वो भी यही कारोबार करता है, हम भी यही कारोबार करते हैं, वो भी उसी शहर में कमाता है, हम भी उसी शहर में कमाते हैं, उसके भी इतने बच्चे हैं, हमारे भी इतने, हमें नहीं अल्लाह देता। हमें शिकवा करना तो आता है, उसे मांगने का सलीका नहीं आता। आपका इतिहास जाती है, दुआ की कबूलियत आपका
दुआ क्यों है जनाबे तुम्हारे इस्लाम की दुआ है? से बोले क्या दुआ तुम्हारे जो मशहूर है इसका नाम खाली दुआ तुम्हारे नहीं है, नोट कर लीजिएगा आपके नाम ये सूरज चैनल अदाली जो आपका है ये रिकॉर्ड हो रहा है मोबाइल में, इसका नाम सिर्फ और सिर्फ दुआ तुम्हारे भी नाम नहीं है, इसका नाम दुआ फिज्र भी है। क्या नाम है? दुआ फिज्र भी है। तो क्या ये दुआ जनाबे तुम्हारे इस्लाम की है? नहीं ना। कायनात के अमीर मुश्किल कुशा को जहां इमाम अली अलैहिस्सलाम जनाब कुमैत को कुछ कुफा पर ले गए और जाकर कहा कुमैत लो ये दुआ और मेरे चाहने वाले पर पहुंचा देना और कह देना जब कोई अमर मुश्किल दरपेश हो इस दुआ को पढ़ ले और इस दुआ को पढ़ के बारगाह परवरदिगार आलम में फरियाद करें। जिक्रा दिल हुए जो मैंने वजाहत की है कि दुआ जनाब कुमैत की नहीं है, मेरे मौला की दुआ है, जनाब कुमैत को दी है। ये है मेरे मौला अमीरों का अमीर, यह है सुल्तानों का सुल्तान, यह है शहंशाहों का शहंशाह कि अगर अपने इल्मी दस्तरखान से जनाब कुमैत को दुआ दे दी तो इतना फजल व करम फरमा दिया कि आज ये दुआ जनाब कुमैत के नाम से मशहूर होकर रहेगी। मुझे बड़ा सुकून होगा अगर मैं आपके आसानी आ गया ये फिक्र पहुंचा सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फिरली ज़ुनूब अल्लती तहबिसु दुआ। कायनात का अमीर पूरी दुनिया के खालिक की बारगाह में ऐसे पुकार रहा है, क्या कहा मेरे वाले अल्लाहुम्मा फिरली ज़ुनूब अल्लती तहबिसु दुआ कि मेरे रब मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जो मेरी दुआ को तेरी बारगाह तक पहुंचने से रोक लेते हैं। इसका मतलब क्या है? हमें दुआ नहीं करनी चाहिए खाली, दुआ करने से पहले गुनाहों की माफी मांग लेनी चाहिए। पहले गुनाहों की माफी मांगे तब हम उसकी बारगाह में अर्ज दुआ पेश करें। आइए तो फिर से पेश करो ताकि आपका सही दुआ की तरफ मायल हो जाए कि हमेशा में भी मजार इससे जब फारि हो जाए फुर्सत मिल जाए बाद में सोएंगे पहले अल्लाह की बारगाह में कोई ना कोई दुआ पेश कर जाए मोहम्मद की बारगाह में हर क्या करें जिसने ये दुआ को हम पढ़ के दस सुनाई है। बेशक बेशक ये तो फिर सुनी है या सही और रजा या फिर ले अल्लाह के अपने कोई दुआ या आखिरी फिर ये दुआ के आखिर की तरफ जब हो जाए तब आएंगे या सही और रजा सबसे जल्द राजी हो जाने वाले अल्लाह का इंतकाल आप तक पहुंच जाए फजाए का गोश आ रहा है इसलिए ऐ कायनात में सबसे जल्द राजी हो जाने वाले एक फिर ये अल्लाह के अमले को इल्लत दुआ मुझसे राजी हो जा मेरे पास तुझे तुझे राजी करने के लिए मिल्कियत दुनिया में से कुछ नहीं है अगर है तो फकत दुआ है। दुआ के जरिए तुझे राजी कर रहा हूँ राजी हो जा मेरे रब। जब इंसान इस आजिजी के साथ जब इंसान इस इंकसारी के साथ जब इंसान इस खाकसारी के साथ जब इंसान इस तरीके से दुआ करेगा तब उसकी दुआ आ गया करोड़ या अल्लाह में कबूल होगी या अल्लाह रोजी दे दे या अल्लाह ये दे दे नहीं ये नहीं पहले फिर गिराइए इसके लिए रास्तों ने फरमाया। अब चलना फिर मैं नहजुल बलागा की तरफ मौला फरमाते हैं नहजुल बलागा में الداعي بلا عمل
जाएगा। फरमाते पहले अमल फिर दुआ। तुम्हारा अमल क्या है? सुनो अमल, जिस दुआ को कबूल करा रहा हो फरमाया उसके लिए पहले बावजूद हो जाओ, बेशक बारगाह परवरदिगार आलम सर को झुकाओ। क्यों? जो कबूलियत के मराकिज हैं, जो दुआ की कबूलियत के हमारे पास जराए मिले हैं तालिबान के मोहम्मद से, वो मेरे एक जरिया मिला कि नमाज के बाद दुआ कीजिए अल्लाह कबूल करेगा। दूसरा मौका जब बारिश हो से अल्लाह के रहमत नाजिल हो तब दुआ कीजिए अल्लाह कबूल करेगा। तहते मिजा में रहमत चाहिए अल्लाह दुआ कबूल करेगा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचकर उनके कुब्बे के नीचे पहुंच जाए, गुंबद के नीचे पहुंच जाए, अल्लाह दुआ कबूल करेगा। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में, ये दुआ जल्दी कबूल होगी। ऐसे मौके हैं, यहां दुआ कीजिए तब आपकी दुआ कबूल होगी। और दुआ के कबूलियत से पहले सदका निकालिए, सदका सदका ना काटिए, सदका सदका ना, दाल तो साकी नहीं है, दाल के ऊपर सवाल है सदका। किसी का इंतजार है मैयत में गए थे, नहीं मैयत ना कहिए, मैयत कहिए, ये के नीचे से लगाइए। सैयद लफ्ज नहीं है, सज्जिद लफ्ज है, ये के नीचे से है। कैसे कहिए? किसी भी आप जहां आप मुर्दे दफन होते हैं गुजरने वाले, कब्रिस्तान में कह दीजिए, कब्रिस्तान कहिए, ताकि अल्फाज भी सही अदा हो। बेशक वो सुने तो ये कहे कि इनके अल्फाज भी अच्छे हैं। ये सारा पढ़े महमूद आलम मोहम्मद। तो ये सदका निकालना ये दुआ की कबूलियत का शामिल होता है। मौजूद नहीं है मेरा सदका, शबे जुमा है, दुआ के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहा हूं, मगर कहता चलूं बात आ गई है। हम सदका ऐसे हैं कि किसी को दे दे, नहीं ऐसे ना किए कीजिए। सदके के लिए है कि पहले अपने आयजा अकारी रिश्तेदारों से देखिए हर कोई मुस्ताहिक उसको दीजिए, सवाब भी मिलेगा, सिला गरीबी भी हो जाएगी। और अगर आपको किसी को देना है, रास्ते में चलते महापुरुष देते हैं, तो फरमाया ऐसे ना दीजिए, दाहिने हाथ से दीजिए। जब दाहिने हाथ से दीजिए तो फरमाया कि जिसको दे रहे हैं उससे अपने हाथ में दुआ करा लीजिए। जब देने के बाद हाथ वापस लाइए, अपने हाथ को चूम लीजिए। तालिबाते आले मोहम्मद, कभी गौर तो कीजिए बातों पर। क्यों कहा? कहिए इसलिए कहा कि अपने हाथ को चूमिए ताकि आपके अंदर जिसने नियामतें दी हैं उसको पहचानने की कुवत आ जाए। या अल्लाह तुमने इस लायक बना दिया कि हम किसी को देकर उसकी मदद कर रहे हैं। मशरूम कहते छल हो जाना, पैरालाइज हो जाना, एक आधा हिस्सा छल हो गया था किसी का, बाप के साथ गुस्ताखी की थी, कभी पढ़िएगा जाकर। मैंने कहा था पूरा अक्षरा में कहिए तो दुआ दुआ में पढ़ूँ, मैं तरफ जाऊँगा तो आपकी तंगी हो जाएगी मेरे सामने, मुझे घर के बाद तमाम कर दीजिए। उसके एक फिर सुन लीजिए, या जा मेरे नजमिन कसीर, इमाम हुसैन इस्लाम की तारीफ कर दुआ, ए टूटी हुई हड्डी के जोड़ने वाले, या फाक का कुल्ले असीर, ऐ कैदियों को रिहाई दिलाने वाले, बेशक या राजे का तिफलिस सफीर, ऐ छोटे छोटे बच्चों को रिश्ते देने वाले, सुभानअल्लाह, माँ के शिकार में जो बच्चे होते हैं हमारा रिश्ते देते होंगे, ये वो राजे भी जानता है जिसने पैदा किया है कि अपने बंदों को कैसे रिश्ते देना है। मगर मुझे थोड़ा सा बेदारी भी लाना है, अपने बच्चों को थोड़ा सा जगाना भी है। अगर सो गए तो किसको सुनाऊंगा मैं? जगा कर सुनाना, सुनानी है ना मुझे बात अपनी, जगा कर मैसेज देना। सुनिए, अब मैं दुआ की ताकत दिखाने लगा हूँ आपको, और फजाइल की तरफ भी आ गया, मौन चढ़ा दी, इंसानी काबिल, और नजीब अल्लाह से मैंने कॉल पढ़ दिया।
अल्लाह के फजाइल हैं खैबर के अंदर, बेशक बेशक आज उसी खैबर से दुआ का गोशा निकाल। हम अल्लाह जब फंसे जाते हैं तो क्या करते हैं, एक तो इमाम साहब मानते हैं कि वो सफर पे जा रहा है या किसी और कामयाबी के लिए जा रहा है, दूसरे क्या काम करते हैं, हमारा बुलाया माँ ने बाप ने कुरान पढ़ा थोड़ा सा, कोई सूरह पढ़ा, कोई दुआ पढ़ दी, सर पर कुरान रख दिया, इसके साथ में चले जाओ। मगर जो लश्कर जाता था जाकर आ जाता था, मौजू से बाहर नहीं जाओ, फजाइल अहलेबैत सुनाने के लिए हमारी जान कुर्बान अहलेबैत अलैहिस्सलाम के ऊपर, हमें तालीमात आले मोहम्मद भी पेश करना है, फजाइल अहलेबैत भी सुनाने हैं, बेदाद भी करना है, इसलाह भी करनी है अपने कौम के अपने बच्चों की। लश्कर जाता था वापस आ जाता था, बस मैं कुछ क्या आगे बढ़ जाऊंगा, लश्कर कहता था सरदार की गलती, सरदार कहता था लश्कर की गलती, दोनों बेकार थे, दोनों दूसरे में इल्जाम रख रहे थे। तो नबी अकरम ने क्या कहा, लाउतेन्ना रायतवदन रजुलन करारन, कोई बात नहीं बोल पाऊंगा, वक्त की तंगी हो जाएगी, कम याद उसको दूंगा जो मर्द होगा, मैदान में रखने वाला होगा, बड़ बड़ के हमले करने वाला होगा, खुदा और रसूल उसको दोस्त रखते होंगे, खुदा और रसूल को वो दोस्त रखता होगा। अभी हमारे यहाँ ये बातें अशर अबुल आई दसवीं के बाद आप भी इधर उधर कहीं ना कहीं जाते होंगे, वहाँ मजलिस का प्रोग्राम है, खान उधर में जाएंगे, हुसैन टीम में जाएंगे, मसलन जो भी पूरा पघरा जहाँ जहाँ भी मजालिस से होती है जाते हैं, उधर मजालिस होती है, हम सारे मजालिस है, अशर मजालिस है, एक मजलिस है, दो मजलिस हैं, पूरी रात मातम होता है और मौला के चाहने वाले मातम करते हैं, शिक्रत भी करते हैं, इबादत परवरदिगार नजर आते हैं, होता है ना, ये आज लोग एतराज़ कर देते हैं कि पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, पूरी पूरी रात मातम कर रहे हैं, क्यों ना करें, उन्हीं के सदक़े में दुनिया पैदा हुई है, उन्हीं का ये तज़किरा है, हम क्यों ना बेदार हूँ, तो करिए, सीना हमारा है, हाथ हमारा है, चोट हमें लगनी चाहिए, तभी आपको होती है, क्या परेशानी है आपको, पूरी रात जाए, हम जा रहे हैं। अब चार विषय सुना रहा हूँ आपको, अब मैं थोड़ा सा बोल जो आपके मिजाज के मुताबिक बेदार की तरफ आ रहा हूँ, और हमें दोनों काम करने हैं, हमें इबादतें परवरदिगार आलम भी करनी है, हाथ से भी अलग नहीं रहना, हमें असर आगे हुसैन भी करनी है, एक मकतबे हुसैन है, एक मकसदे हुसैन है, कि यहाँ पे हसरते दीदे अली वहाँ दीदार, यहाँ से मुराद दुनिया जिंदगी और वहाँ से मुराद कब्र, और ये हमारा आपका अकीदा है कि अगर हम इस दुनिया में इस जिंदगी में आले मोहम्मद की अपने मौला की ज़ियारत नसीब ना हो तो कब्र में तो होगी। अब इसे सुन लीजिए, यहाँ पे हसरत दीदे अली वहाँ दीदार, इतने बुजुर्ग हैं मेरे बड़े हैं, मैं इशारा नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है, इतना कहते हुए एकदम जो टेक लगा के सो रहे थे उन्होंने अपने आप को एकदम हटा लिया, मैंने भी अपना रुख थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि आप ना समझे मैं किसे कह रहा था, सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद करेंगे कब्र में मिलजुल के रोशनी दोनों। आज अगर पूरी रात जागे और शब बेदारी करें तो फांसी अलग है ना, ये बिना वजह नहीं समझा रहा हूँ मैं, मुझे वही दुआ का फितना बतलाना है जो खैबर से समझाऊंगा मैं, शब बेदारी, शब क्या है, रात को बेदारी यानी जागना, पूरी रात जागना, आज अगर हम जिक्र अहले बैत में जाग लें उसके बाद में लोग एतराज करते हैं कि पूरी पूरी रात जाग रहे हैं जिक्र हुसैन कर रहे हैं, हाँ अगर हम इबादत करके नमाज अदा ना करें तब आप कहिए कि सवाल ही छोड़ दिया, मगर हम बेदार हो रहे हैं, मातम हम कर रहे हैं, नजर नियाज का एहतमाम हम कर रहे हैं, मौला के चाहने वाले आपको परेशानी है, कल जमीन ने कल जब नबी ने ये कहा कल मैं आलम उसको दूंगा जिसमें ये सिफात होगी, आप लोग जो है अब शायद बेदारी की कहकर इंतजार अभी से हो गया, पूरी रात जागे और जागने और सब आगे आगे बढ़कर कुछ बड़े काम थे और जिनके नहीं थे वो पंजों के बल खड़े थे, हमारे को नजर पड़ जाए, बड़ा एक
प्यास से डूबा क्या क्या आगे बढ़ूंगा मैं, हमारे मन में पड़ जाए शायद हमें नबी देख ले, शायद हाथ हमें आलम मिल जाए, नहीं मिला। मौजूद होना अलग है और हकदार को बुला के देना अलग है। जो कल खैबर में मिला था नहीं मिला तो क्या दिया, क्या ये मिलत है? मिलत ना कहिए, ये इबादत है, ये इबादत है। जा रहे हैं मिल जाए, हमें मिल जाए, मिल गया। और जिसे मिलना था अब नजर तलाश चल रही है, तारी कहाँ है पता था, मगर पूरी दुनिया ताके देखे कितने हाँ जमा थे, कहाँ है मदाय मदीने में बड़ा फासला है भाई, बुलाया जाए, बुलाया गया, अरे आ गए। वो तो आपने सुना होगा मेरे मौला आशू बच्चे में मुबतला थे, इसे आपको दुखना क्या देते हैं है? अब फिर क्या कहूँगा बड़ी एहतियात से, ये जो बारिश बरसती है इसको क्या कहते हैं हमारा बारान रहमत, अल्लाह की रहमत है या नहीं है? ये यकीन है ये अल्लाह की रहमत है। क्या ये बारिश के कतरे जहाँ 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 भी गिर जाते हैं सब सब जगह सरसर तो शादा भी आ जाती है? नहीं, इस बारिश को जज्ब करने की सलाहियत अगर है तब, ये अगर बच्चा जमीन पर गिर जाए कोई फायदा नहीं, ये अगर किसी ऐसी जमीन में गिरे जहां काश हो सकती हो वहां सबला हरा भरा हो जाता है। ये बारिश की रहमत और खुद नबी अकरम की रहमत, रहमत है ना, ना बारिश सबला अपना असर दिखाती और नबी अकरम रहमत है, मगर उनके भी एक बार किसी दवा जो इस्तेमाल की सब नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है दवा को जज्ब करने की सलाहियत होनी चाहिए। बारिश का पतरा जमीन में जाएगा, शादाबी आएगी, हरी भरी हो जाएगी, घास निकलेगी, और यही बारिश का पतरा किसी कूड़े के ढेर में गया इसमें इजाफा हो जाएगा। यही बात नबी अकरम के लिए है, आपकी जात रहमत है। नबी अकरम ने जब अली को बुलाया है तो बुलाने के बाद खाली